अपना तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सब। और यहाँ नानी की बरसी की तैयारी हो रही है। मेरी नानी की बरसी है दूसरी नानी की बरसी है हमारी तो। दूसरी नानी की दूसरी बरसी है नानी की। हाँ तो ये मैंने उनके लिए बनाया था कोरमा। उनकी पसंद का खाना बन रहा है। गोश्त के सालन बहुत पसंद करती थी ना वो शौक से। शुरू वाले सालन और ये पिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, चुंडी गोश्त, आलू गोश्त, सारे गोश्त बन रहा है। हाँ यहाँ भी बोली है चावल को खीर के और वहाँ दूध पक रहा है खीर के लिए। और हमारी गैस भी स्लो हो गई है। क्यों हो गई दोपहर में गैस चल गई? ये फूल आँच आ रही है देखा, ये फूल है। गैस बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। यहाँ से बाहर आती है, यहाँ हाथ जलते हैं कभी कभी हम लोग ना, लेकिन जो ना वो दोपहर में 2:30 बजे के बाद बहुत हल्की हो जाती है और 12 बजे के बाद तो चली जाती है रात के। हमारे इस्तेमाल नहीं होती तो हम लोगों को तो पता नहीं चलता। और हमारी लाइट भी चली गई अभी, गई है 3 बजे। हमारे तो 1-1.5 घंटे 3 घंटे लाइट जाती है, इसलिए हम तो परेशान हो जाते हैं। लोगों के 1-1.5 घंटे लाइट नहीं, सारा दिन लाइट नहीं। हम लोग को आदत नहीं है ना। तो अभी रेडी होता है तो फिर दिखाते हैं। पापा की भी तबीयत सही नहीं है, पापा के लिए आप लोग दुआ करिएगा। अल्लाह ताला जल्दी से पापा को ठीक करे। और पापा को नज़ला खांसी बुखार हो रहा था बहुत ज़्यादा, अब वो सही हुआ तो मतलब पापा की ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो है ना पापा की दवाइयाँ भी फ़िलहाल चल रही हैं, तो आप लोग दुआ करिएगा पापा के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे, जल्दी से ठीक कर दे। देखें कितने ज़्यादा वीक लग रहे हैं पापा। पापा हाय कर ले। वरना पापा की टोन निकल रही थी अच्छी खासी। टोन तो अभी भी है थोड़ी सी। हाँ चेहरा भी पतला हो रहा है बहुत। पापा कुछ बोलेंगे? दुआओं के तलब गा रहे हैं हम बोलने। पापा नाराज हैं। पापा का भी मूड नहीं है बात करने का क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हम लोगों के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और कोरमे में मैंने डाल दिए हैं सब चीज़ें, प्याज, दही वगैरह मसाले डाल दिए हैं। और इस बार मैंने पिसा हुआ खोपरा भी डाला है अच्छा खासा, और बादाम मैं भी डालूंगी इसमें। और बस इसमें मैं अब केवड़ा डाल के और चूल्हा बंद कर रही हूँ। और ये वानिया का अभी तक दूध हुआ ही नहीं है। गैस बहुत ज़्यादा हल्की आ रही है, 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए। मैं तो सालन खैर 1 घंटे पहले बनाने रख दिया था, 2 बजे से बना रही थी मैं, तो मेरा सालन तो हो गया रेडी। ये फंस गई। कब बनेगा? 6 बजे तक। तो अब न्याज ये चूल्हा ना वो बन गया ना कोने वाला, थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ गया। इसमें हल्का सा बॉयल मतलब भाग आने शुरू है। बस वो बॉयल आ जाएगा तो पकना शुरू जाएगा, फिर मसाला जल्दी बन जाएगी। इसमें बॉयल आने की देर होती है। अब वो बॉयल आने और चलो सुपर आइडिया है। बस अभी जैसे तैयार हो तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को। जी फ्रेंड्स, वो खीर मेरी हो गई है रेडी। अनम का सालन भी तैयार हो गया। बस अब उनको इसको निकाल के जमाएंगे और फिर हम न्याज वगैरह मम्मी देंगी न्याज। तो फिर जब हम पैकेट्स में इसको जमा लेंगे बॉल वगैरह में, फिर दिखाएंगे आपको। तो ये हम लोगों ने पातियों के लिए की है निकाला है, और बाकी सब बांटने की है। और बस अब पातियाँ दिलेगी मम्मी, पातियाँ देंगी तो फिर दिखाएंगे आप लोग। दुआ कीजिएगा आप लोग नानी माँ के लिए। अल्लाह ताला उनको जगह दे, उनकी मफ़रत फरमाए। और ये हमारी मिन्हा की है छोटी। हाँ जी, तो न्याज हमारी दिल गई थी और खाने में सबसे हम लोग फ्री हो गए थे, लेकिन ये लड़के हमारे सालन खाते नहीं हैं, मतलब वो लोग चावल शौक से खाते हैं, तो उन लोग के लिए बन रहे छोले चावल। और बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारी नानी माँ की मगफरत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी बच्चियों को नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक मेरी भी मुश्किलें दूर करे, परेशानियां दूर करे, सबके लिए आसानी करे। आमीन सुम्मा आमीन।